हेलो एवरीवन, मैं मुकुल राठी, जनता वैदिक आईएपीटी अन्वेषिका का कोऑर्डिनेटर। और आज के दिन हम अन्वेषिका क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अन्वेषिका ओपन साइंस लेबोरेटरी है जो कि पूरे इंडिया में फैली हुई है। अन्वेषिका के बारे में और जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, उस पर आप अन्वेषिका के बारे में और जान सकते हैं। आज के दिन का मेन जो टॉपिक है वो है नेस्ट, नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट। और नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट 2020 जो कि पहले लॉकडाउन के दौरान हुआ था, उसके जो नेशनल विनर हैं हर्ष प्रताप सिंह, वो अपना नेस्ट का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आज हमारे साथ में। वेलकम हर्ष। थैंक यू सर। सो हर्ष अभी बीएससी पास कर चुके हैं, अपने बारे में ज्यादा बातें हर्ष से ही सुनते हैं। तो हर्ष बेसिकली कहां से, कैसे, क्या कर रहे हैं? ओके, हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम हर्ष प्रताप सिंह है एंड आई हैव परस्यूड बीएससी ऑनर्स फिजिक्स फ्रॉम किरोड़ी मल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो मैंने लास्ट ईयर 2020 में नेस्ट 2020 में पार्टिसिपेट किया था एंड ये कम्प्लीटली फिजिक्स डिवोटेड एग्जाम है। और इस एग्जाम में जो है बेसिकली हम एक्सपेरिमेंट्स का एक्सप्लोरेशन करते हैं एंड इनोवेटिव आइडियाज को एक्सप्लोर किया जाता है। ओके, सो हर चुकी नेस्ट 2020 के हर एक स्टेज से गुजरे थे, तो हम इनसे स्टेज वाइज बात करते हैं। हर सबसे पहले तो ये जो नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट है इसके बारे में पता कहां से लगा? बिल्कुल, तो इस एग्जाम के बारे में मुझे पता चला सोपान आश्रम, एक एनजीओ जो एचसी वर्मा सर ने ऑपरेट किया हुआ है। तो इस एनजीओ के अंदर बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनके कैंप्स कराए जाते हैं और इन कैंप्स के अंदर बेसिकली स्टूडेंट को साइंस के एक्सपेरिमेंट से अवेयर किया जाता है, मतलब बेसिकली फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट से। तो वहां पे मैं क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स के थ्रू गया था, जो बीएससी एचसी वर्मा नाम की एक साइट है उस पे सर अपने कोर्स पब्लिश करते हैं। तो उन कोर्स को जो है हमने एक्सप्लोर किया एंड उन कोर्स पे जो फोरम डिस्कशन होता है उन सब के बेसिस पे वो कुछ स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करते हैं वहां पे कैंप में जाने के लिए। तो मुझे वहां से इसके बारे में सब कुछ पता चला, तो मैंने नेस्ट को वहां से एक्सप्लोर किया। तो आप वहां से लोगों के संपर्क में आए और फिर आपको नेस्ट के बारे में पता चला। तो नेस्ट आपने 2020 के लिए सबसे पहली चीज, जैसे ही आपको पता चला तो आप वेबसाइट पे गए, क्योंकि 2020 जो था वो 2021 की तरह ही था। उसमें भी आपको एक वेबसाइट nani.hcvarma.in उसके ऊपर आपको रजिस्टर करना होता था। आपने रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद में आपको पूरे का पूरा जो स्टेजेस है, पहला जो लेवल है जो कि स्क्रीनिंग राउंड होता है, उस स्क्रीनिंग राउंड में आपको कुछ वीडियोस दिखाई जाती हैं और उनके ऊपर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो स्क्रीनिंग राउंड से पहले, अभी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए, तो स्क्रीनिंग राउंड से पहले हम लोग क्या करते हैं, रोज के रोज एक नई वीडियो डालते हैं पिछले सालों की, जिसमें नए नए कुछ एक्सपेरिमेंट्स और उससे रिलेटेड आपको कुछ सवाल मिलते हैं। तो वो जो स्क्रीनिंग का पूरा एक्सपीरियंस था, अब हर्ष से सुनते हैं कि हर्ष ने उस प्रोसेस को कैसे एंजॉय किया था। ओके, सो सबसे पहले स्क्रीनिंग राउंड मुझे सबसे ज्यादा पसंद भी था क्योंकि वहां पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं और वहां से इनोवेटिव आइडियाज भी मिलते हैं हमें। तो बेसिकली उसके अंदर हमें फिजिक्स के कुछ फिनोमिनाज जो होते हैं, जो रियल लाइफ फिनोमिनाज होते हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वे क्वेश्चंस जो होते हैं वे वैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं जो हमें प्रेशराइज करें एग्जाम के लिए हो, बहुत एंजॉयिंग क्वेश्चंस होते हैं और इनफैक्ट वेरी वेरी नाइस क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं, तो जैसे एक हमारे पास डबल कोन होता है तो उसपे हम फनल को जो है मतलब इनवर्टेड हम उनको कंबाइन करते हैं तो एक डबल कोन बनता है। तो उस डबल कोन को जब हम स्लाइड कराते हैं तो वो ऊपर की तरफ तो अपने आप चला जाता है और जब ऊपर रख देते हैं तो नीचे की तरफ नहीं आता है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जो हर किसी को फैसिनेट करता है कि जो चीजें हैं वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जानी चाहिए लेकिन वहां पे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। तो इन सब चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए वो वीडियो वाला जो राउंड है, स्क्रीनिंग राउंड, उससे बेस्ट और कुछ नहीं है। सो पहले वाले राउंड में एक चीज होती है जो किताबों में पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, थ्योरी करते हैं, बट उस चीज को जब रियल लाइफ के एग्जाम्पल में लगाया जाता है तो उसमें काफी मजा, काफी एक एंजॉयिंग पार्ट था। यस, दैट विल गोइंग यू टू फील द फिजिक्स रियली। ओके, जब आप फिजिक्स को करते हो पेन पेपर के साथ तो वो एक प्रेशराइज चीजें क्रिएट करने लगता है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको एंजॉयमेंट आता है मतलब पेन पेपर के साथ भी, लेकिन यहाँ पे जो एंजॉयमेंट होगा उसका फील कुछ अलग ही होगा। ओके, सो स्क्रीनिंग राउंड जो इस साल का शेड्यूल्ड है वो 18 सितंबर के बाद है, 18 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। स्क्रीनिंग राउंड में आपको कुछ वीडियोज और उनसे रिलेटेड सवाल, स्क्रीनिंग का एक फील आप ले सकते हैं। अभी भी अगर आप वेबसाइट पे रजिस्टर करेंगे तो आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी भी मिल जाएंगे जिन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और बाकी दोस्तों के साथ फोरम सेक्शन पे डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीनिंग के बाद में
क्योंकि ये जो कंपटीशन है वो एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट है, नेशनल यूनिवर्सिटी का एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट है, तो एक्सपेरिमेंट्स की स्किल को टेस्ट करना है। और पहली स्किल ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कैसे करके और फिर कैसे फिजिक्स का फिनोमिना अप्लाई किया जा सकता है, किस फिजिक्स के नियम को आप लगाते हैं, ये आपको स्क्रीनिंग में ऑर्गेनाइजर्स देखते हैं। बट चूंकि एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट है तो जो अगला राउंड होता है, नेक्स्ट राउंड, इट इज अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। 2020 से पहले एक्सपेरिमेंट्स जो होते थे वो जो अन्वेषिका कोऑर्डिनेटर्स हैं वो जाते थे और एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कराते थे। बट 2020 ने, इट वॉज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, 2020 में द ऑर्गेनाइजर्स हैड अ चैलेंज फॉर इट कि हाउ स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स व्हाइल वी वर अंडर लॉकडाउन। देन द इनोवेटिवनेस केम एंड देन द ऑर्गेनाइजर्स डिसाइडेड that these exams, these experiments will be held, will be performed by the students with the home material in his home. So Harsh, after being selected in a screening round, after going through that cutoff, Harsh jumped into second round, which is known as prelims. Prelims ke experiments ka Harsh ka kya pura experience tha, Harsh se hi sunte hain. So, सबसे पहले प्रीलिम्स राउंड में जैसे ही मैंने एंटर किया, सबसे पहले तो मुझे काफी खुशी हुई कि मैंने फर्स्ट राउंड क्रॉस किया और यहां से कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद जो हमें 3 दिनों का समय दिया गया था, इसके अंदर हमें एक एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट एक्सप्लोरेशन करना था, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना था, और सबसे ही अच्छी बात यह थी कि उसके लिए जो हमें अपरेटस थे, जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड थे, वो हमें घर पे ही सर्च करने थे। तो सबसे पहले तो बच्चों के माइंड में क्या आता है, एक्सपेरिमेंट का नाम सुनते ही कि हमें लैब का जरूरत पड़ेगा, तो यहां पे वो चीज खत्म हो जाता है। मतलब आपको जो है घर से ही सामान को सर्च करना है, और इसमें जितना मजा आएगा ना, उससे ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं आएगा। ओके, सो जो प्रीलिम्स राउंड था वो अपने आप में काफी फैसिनेटिंग था। इनफैक्ट मैं अपने कॉलेज की लैब को काफी मिस कर रहा था, तो इस राउंड में जो वो मैं मिस कर रहा था ना अपनी लैब को, वो मुझे एकदम मतलब खत्म हो गया। मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा हूँ अपनी लैब को, और एक नए इनोवेटिव आइडियाज का भी यहां से शुरुआत हो। अब कोई एक एक्सपेरिमेंट जो कि पहली साल किया, जिसमें मतलब एज यू वर डूइंग एक्सपेरिमेंट एट होम, और घर पे जब आप एक पूरा फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, पूरा एक्सपेरिमेंट जिसमें एरर एनालिसिस आपको करना है, ग्राफ प्लॉटिंग आपको करना है, यू हैव टू प्रोड्यूस सम रिजल्ट्स, और ये सब घर के माहौल में, ये सब घर के माहौल में, घर वाले भी हैं, छोटे भाई बहन भी है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था कि घर का सामान आप उठा रहे हो या सामान अवेलेबल नहीं है, वी वर अंडर लॉकडाउन, सो वो कैसे कैसे क्या क्या हुआ उस दौरान? So, सबसे पहले आपको हार्डली डिटरमाइन करना है और मन में ये बना के चलना है कि 3 दिनों के समय में एक्सपेरिमेंट को मैं जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूं मुझे करना है। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो शुरुआत करेंगे, अगर आप अपनी तरफ से इनिशिएट कर देते हो तो एवरीवन विल गोइंग टू हेल्प यू। तो सबसे पहले क्या है कि घर में अपने छोटे बहन भाइयों के साथ भी इसको करो, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने कजिन्स हैं, मेरे छोटे बहन भाई, उनको इंक्लूड किया, दे वर रियली एंजॉयिंग द एक्सपेरिमेंट। इनफैक्ट दे डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दोज एक्सपेरिमेंट, लेकिन फिर भी वो लोग उनको इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे मतलब एक्सपेरिमेंट्स को, तो उनको देख के मैं काफी ज्यादा मतलब और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तो जैसे हमने कॉन्वर्जिंग लेंस वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहां पे हमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर चाहिए था, तो वो सर्च किया हमने, तो हमें नीचे से जिसका बॉटम प्लेन हो ऐसा हमें ग्लास चाहिए था, तो वहां पे उसमें पानी भर के उसको एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह यूज करने वाले थे, तो वहां से हम उसको फिर हमें स्लिट्स कंस्ट्रक्ट करने थे। तो हमने क्या किया, कार्डबोर्ड लिया, उसको कट किया, वहां से 2 स्लिट्स बनाए, फिर लाइट उनमें स्ट्राइक कराया। तो ये सब चीजें एक बार में कभी नहीं होगा, इसको आपको कई बार ट्राई करना होगा। इनफैक्ट मैंने 5 to 6 times ट्राई किया, जब मैं मतलब परफेक्टली श्योर हो जाता था कि नहीं अब ठीक है, तब मैं उसको फाइनल करता था। तो यही सब चीजें उसके अंदर जरूरी था। एक पैरेलेक्स रिमूवल का एक्सपेरिमेंट मेरे याद है, तो वो मेरा फेवरेट था इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट। तो उसके अंदर मैंने मतलब 2 मेथड्स नहीं भी उसमें सोचे थे उस मेथड उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वहां पे कुछ मतलब मिरर का कैसे यूज करना है और ग्लास ऑफ वाटर एंड कार्डबोर्ड और ये सब स्केच, तो नॉर्मल सामान ही सब घर में जो होते हैं, और इनफैक्ट कई तो इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको आप अल्टरनेटिवली घर की चीजों के साथ यूज कर सकते हो, तो ये सब चीजें आप यहां से सीख सकते हो। तो घर का इंस्ट्रूमेंट, घर का मिरर, घर के टम्बलर और इन सब से फिजिक्स करना, लैब को मिस ना करना, इन्हीं चीजों ने हर्ष को अगले राउंड जो कि फाइनल्स थे उनके लिए, उनकी तरफ हर्ष चले गए थे। हर्ष हमारी अन्वेषिका, जनता वैदिक आईएपीटी अन्वेषिका को रिप्रेजेंट कर रहे थे इन द फाइनल राउंड। फाइनल्स में ऑर्गेनाइजर्स ने, वर्मा सर ने एक पूरे का पूरा सरप्राइज तैयार करके रखा था बच्चों के लिए। सरप्राइज था एक नानी का डब्बा। क्या था हर्ष नानी का डब्बा? सो सबसे पहले जैसे ही नानी का डब्बा की इन्फॉर्मेशन आई, तो वो अपने आप में एक सरप्राइजिंग बॉक्स था,
तो उसको लेकर के काफी ज्यादा मन में एक्साइटमेंट की क्या होगा उसके अंदर, हम क्या एक्सप्लोर करेंगे वहां से। और सबसे अच्छी बात कि हमें जो इक्विपमेंट्स लैब में हम देखते हैं वो हमें घर पे मिलने वाले थे, तो हम लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह था उनको रिसीव करने का। तो वहां पे वो सब उनको, फिर जैसे ही वो मुझे रिसीव हुआ, मैंने उसको सबसे पहले ओपन किया, सभी चीजें उसके अंदर देखी, तो उसके अंदर एक डिजिटल मल्टीमीटर भी था, एक डायोड्स भी थे। तो बच्चे जनरली पीएन जंक्शन डायोड को एक्सप्लोर करते हैं कॉपी पेन से, तो वो एक्चुअल में इतना सा होता है छोटा सा। तो ये सब चीजें जो है ना, मतलब ये आपको जो एक्सप्लोर करना मिलेगा उससे ज्यादा फैसिनेटिंग इस कंपटीशन के मतलब अंदर कुछ नहीं है। ओके, तो यहां से हमारा जैसे फाइनल है अपने आप में सजेस्ट करता है कि एक अल्टीमेटिंग राउंड है। तो यहां पे जो था, हमें पूरा का पूरा अपना सारा एफर्ट्स यहां पे डालना था। तो जैसे 5 डेज हमें मिले थे 3 एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए, तो आई हैव कंप्लीटली डिवोटेड दोस 5 डेज टू 3 एक्सपेरिमेंट्स। और यहां पे जो है कंप्लीट हमें एनालिसिस करना था। तो इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा फेवरेट एक्सपेरिमेंट, सो इट इज द एनहार्मोनिक ऑसिलेशन कंसिडरिंग। तो यहां पे हमें क्या करना था, पेंडुलम के केस में हमें एक्सप्लोर करना था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड देन एनहार्मोनिक ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इनके पीछे का जो मैथमेटिक्स है, दैट वी एक्सप्लोर थ्रू द बुक्स, दैट इज देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन वहां पे जो आप प्रेशर फील करोगे, ये सब फॉर्मूला याद करना है, ये सब करना है, तो वो सब चीजें आप यहां पे फील नहीं करोगे। यहां पे आप एक अलग ही एंजॉयमेंट को फील करोगे जब आप उसके लिए क्या करोगे, एक थ्रेड ढूंढोगे। मतलब क्या होता है कि टाइम पीरियड आप जानते हो सिंपल पेंडुलम का क्या होता है, 2π√LYg। तो वहां इफेक्टिव लेंथ को बढ़ाओगे, है ना, तो उसके लिए आपको थ्रेड सबसे पहले सर्च करना, फिर उसके बाद एक जगह सर्च करना जहां पे आप इन ऑसिलेशन को करा सकते हो। फिर SHM के लिए कंडीशन होता है कि थीटा को हमें बहुत छोटा रखना है, है ना, तो ये कितना छोटा रखना है, है ना, तो उसमें स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना छोटा रखना है, तो वो अपनी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं, और इन सबको सोचने में जो मजा आएगा, जो फील आएगा आपको, वो सब कहीं और नहीं मिल पाएगा। सो नानी का डब्बा मिलने के बाद में हर्ष ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, फाइनल्स लिखा, और फाइनल्स लिखने के बाद में इन द एंड जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो हर्ष नेशनल टॉपर थे, नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट में। हर्ष जिस इलाके से बिलोंग करते हैं वो वेस्टर्न यूपी में बड़ोत नाम का एक छोटा सा तहसील है। बट हर्ष का ये पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट, पूरे का पूरा एक्सपीरियंस, पूरे का पूरा एक्सपोजर उनके घर में ही हुआ। सब एक्सपेरिमेंट्स, पूरे का पूरा 3-4 महीने का ये जो फेस्टिवल है, ये सब पूरे का पूरा हर्ष ने अपने घर पे ही एंजॉय किया। हर्ष, जब फाइनली रिजल्ट आया दैट यू आर नेशनल विनर, कैसा फीलिंग था? ओके, सो जब रिजल्ट आया तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा ही फील हुआ, लेकिन इसमें जो मेरे लिए एक्चुअल प्राइस था वो ये प्रोसीजर था एक्चुअली। तो ये जो प्रोसीजर हमने एक्सप्लोर किया उससे ज्यादा मजा आप किसी चीज में नहीं ले पाओगे। तो फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो वो दिन भी ठीक है, उसमें आपको खुशी होगा, लेकिन जो खुशी इनके प्रोसीजर में होगा एक्सपेरिमेंट को करने में, उसको एंजॉय करने में, इनफैक्ट आप रियल फील ले पाओगे फिजिक्स का इन सबसे। तो मतलब ये चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये बेस्ट कॉम्पिटिशन है फिजिक्स का फील लेने के लिए। सो हर्ष को आप देख ही रहे हैं, हर्ष 2020 के विनर, और हर्ष कह रहे हैं कि असल में जो चीज मायने रखती है वो इस कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस इतनी एंजॉयिंग है। इसमें आप फिजिक्स का एक नया डायमेंशन, नए तरीके से आप फिजिक्स को एक्सप्लोर करना, लर्निंग को एक्सप्लोर करना सीखते हैं। सो हर्ष, रजिस्ट्रेशन चालू है वेबसाइट पे, नए बच्चे आ रहे हैं, नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, क्या क्या मैसेज है बच्चों के लिए? ओके, सो सबसे पहला मेरा मैसेज ये है आप लोगों के लिए कि इस कंपटीशन के लिए जब भी रजिस्टर करें तो मन में ये रखें कि मुझे इस प्रोसीजर का एंजॉय करना है, इस प्रोसीजर को एंजॉय करना है। सो बेसिकली आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो भूल जाइए, एक कोलैबोरेटिव लर्निंग वर्क है, एक साइंस फेस्टिवल की तरह इसको मतलब मनाइए, और इसके अंदर जो है आप पूरा फिजिक्स का फील ले पाएंगे। और जिन लोगों को फिजिक्स पसंद होता है उन लोगों को तो खासकर ये कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना ही चाहिए, और जिनको नहीं होता उनको तो और भी, क्योंकि वो लोग ज्यादा इससे फिजिक्स की तरफ अपना रुझान बढ़ा पाएंगे। Overall, it was a life-changing experience. Yeah, definitely, sir. हमारे लिए भी और obviously हर्ष के लिए भी, हर्ष के फ्यूचर एंडेवर्स जो है उनके लिए हर्ष को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। और प्लीज जाके, रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं, जाके रजिस्ट्रेशन करिए, नीचे लिंक है। हम कैसे रजिस्ट्रेशन में, अगर कोई मुश्किल है आप इस वीडियो पे नीचे कमेंट लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और मैं और हर्ष दोनों आपको मिलेंगे उसी प्लेटफॉर्म पे nani.hcvarma.in, अभी जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाद में मिलते हैं। थैंक्स टू एवरीवन।